So today we are going to start block 4 unit 1 psychoanalysis psychoanalytic object psychodynamic therapy. So jo psychology ki shuruaat hui thi wo Sigmund Freud ke psychoanalytical theory hai usse hui thi. So khali Sigmund Freud hi psychoanalytic theory dene wala nahi tha, there were very many others who were ऑन द सेम लाइन. बेसिकली एनी थ्योरी जो साइकोलॉजी की है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से रिलेटेड होगी, वो साइको एनालिटिक होती है, ये कॉमन चीज़ है. और फिर फर्दर उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स बताते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन्शियस अनकॉन्शियस को, वो सबके अलग अलग हैं. सो साइको एनालिसिस इज ए अम्ब्रेला टर्म जिसमें बहुत सारी थ्योरीज आती हैं. तो सबसे पहले जो है जैसा कि सबसे स्टार्टिंग में लिखा है, साइको एनालिसिस और फ्रॉइडियन साइकोलॉजी इज ए बॉडी ऑफ आइडियाज, ये सिंगल आइडिया नहीं, इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं. और सिगमंड फ्रॉइड वाज ए न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने स्टार्ट की थी एंड कंटिन्यूड बाय अदर्स, मतलब ही वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसने साइको एनालिसिस को क्रिएट कर किया और आगे बढ़ाया, देयर वर अदर्स ऑल्सो. तो साइको एनालिसिस थ्योरी के तीन मेन कॉम्पोनेंट हैं. सबसे पहला क्या है कि इट टेल्स अस हाउ टू इन्वेस्टिगेट द माइंड एंड द वे वन थिंग्स, कि इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है और उसको कैसे पता किया जाए. एक तो ये चीज़ बताती है साइको एनालिसिस थ्योरी. जैसे हमने वो फ्री एसोसिएशन पढ़ा था ना, उसमें जो टेक्निक्स थी साइको एनालिसिस की, तो फ्री एसोसिएशन वही चीज़ है कि कैसे पता किया जाए. फिर ड्रीम एनालिसिस है, वो भी वही चीज़ है एज पर सिगमंड फ्रॉयड. स्लिप ऑफ टंग को भी जो है यूज़ किया है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड, ठीक है, जो वेरियस उसके फिक्सेशन है इंडिविजुअल के, वो भी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड है. तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो है इन्होंने बताए हैं कि क्या मेथड हम अपनाएं कि इन्वेस्टिगेट कर पाएँ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड. फिर दूसरा क्या है कि ये सिस्टमैटिक सेट ऑफ थ्योरीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर है. बहुत सारी थ्योरीज इसमें दी इन्होंने कि ह्यूमन बिहेवियर क्यों होगा, जैसे एड ईगो सुपर ईगो का जो है आपस में एक दूसरे से रहता है, एड जो है इम्पल्सिव होता है, ईगो जो है वो बैलेंस करता है एड और सुपर ईगो को, सुपर ईगो जो है वो मॉरल वैल्यूज के बेसिस पे होता है. फिर जो उनके साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो भी जो है ह्यूमन बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करता है. फिर वेरियस जो उसके क्या कहते हैं उसके केयर टेकर से जो रिलेशंस हैं वो भी मैटर करते हैं, कि अगर उसके जो है ओरल स्टेज में सारी नीड्स पूरी नहीं की हैं केयर टेकर ने, तो वहाँ पे केयर टेकर का रोल आ जाता है. तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ऐसे थ्योरीज दी कि क्यों ह्यूमन बींग का बिहेवियर जैसा है वैसा होता है. और तीसरी चीज़ जो साइको एनालिसिस में है वो है कि जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इलनेस इंडिविजुअल को होगी उसको कैसे ट्रीट किया जाए. तो ये तीन चीज़ें हैं. तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है एक लिहाज से, कि हम माइंड को भी समझ सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, बिहेवियर को भी समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो साइकोपैथोलॉजी है और इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. तो इस सेंस में ये बड़ी कंप्लीट है साइको एनालिसिस थ्योरी. और जैसा कि मैंने बताया, ये सिंगल कोई थ्योरी नहीं है, इसमें 22 डिफरेंट थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस हैं, ये 22 डिफरेंट हैं. सो इसमें जो अलग अलग जो ट्रीटमेंट की अप्रोचेस हैं उसको साइको एनालिसिस कहते हैं, ठीक है. और ये जो टर्म है साइको एनालिसिस, इट ऑल्सो रेफर्स टू स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें पैदा होने से लेके जो है बर्थ से लेके एडल्टहुड तक के सारी स्टेजेस के बारे में बात की है. तो चाइल्ड डेवलपमेंट अपने आप ही आ गया, बच्चा पैदा होगा, इन्फेंट होगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा. तो हर स्टेज के बारे में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन्होंने बताया हुआ है, तो वो जो है डेवलपमेंट भी हमको बताता है. अब अगर हम साइको एनालिटिक थ्योरी के थ्योरेटिकल मॉडल्स की बात करें, तो इसमें कई जो है थ्योरेटिकल स्कूल्स हैं, और ये सभी स्कूल जो है एक दूसरे से सहमत हो ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट भी हैं और
कॉमन, मगर इनमें क्या चीज़ है कि सभी जो है अनकॉन्शियस का इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं, ऑन द मेंटल लाइफ ऑफ ए पर्सन। सो ऐसा भी है कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, एक कहती है कि ऐसा होता है, कहती नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए कोई एक सिंगल चीज कहना कि सभी थ्योरीज जो है किस पे एग्री कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अनकॉन्शियस पे एग्री कर रहे हैं, बाकी जो है डिफरेंसेस बहुत सारे हैं हर हर डिफरेंट थ्योरी में। देन ह्यूमन ड्राइव्स के बारे में आती है कि बेसिक ह्यूमन ड्राइव्स क्या हैं। अच्छा हाँ, सिगमंड फ्रॉयड ने जो है ना एक और चीज, एक बुक लिखी थी सिगमंड फ्रॉयड ने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम एनालिसिस। सो ये बुक जो है बाद में बहुत बिकी है, लेकिन स्टार्टिंग में जो सिगमंड फ्रॉयड ने लिखी थी, ओनली 600 कॉपीज वर सोल्ड। तो स्टार्टिंग में इतनी पॉपुलर नहीं थी ये बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, बाद में जो है ज़्यादा पॉपुलर हुई है। हालांकि और इसके मतलब मेन कंट्रीब्यूशन इस बुक का ये है कि पर्सनैलिटी थ्योरीज के ऊपर है कि इसने जो है मेडिकल वर्ल्ड में अनकॉन्शियस को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले मेडिकल जो फील्ड है उसमें अनकॉन्शियस को कोई मानता ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो यहाँ से शुरुआत हुई। हालांकि इसको अभी भी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है इसको कोई साइंटिफिक नहीं कहता है कि ये जो इसमें लिखा है, यस इट इज करेक्ट एंड वन शुड फॉलो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो इसका जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है इफ यू कैन से दैट इज द और रादर द ओनली कंट्रीब्यूशन इज कि इंट्रोड्यूस अनकॉन्शियस टू द मेडिकल वर्ल्ड, बस इतना हम कह सकते हैं। फिर देन कम्स बेसिक ह्यूमन ड्राइव्स। तो सिगमंड फ्रॉयड ने दो जो है बेसिक ड्राइव्स बताई, सेक्स एंड एग्रेशन। तो इनका जो है नाम है इरोज एंड थानाटोस। इरोज इज लाइफ एंड थानाटोस इज डेथ। सो सिगमंड फ्रॉयड का कहना है जितने भी ह्यूमन मोटिवेशन से ह्यूमन बींग जो कुछ भी करता है वो या तो इरोज की वजह से करता है या थानाटोस की वजह से करता है, देयर इज नथिंग एल्स। सो इरोज के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, उसका नाम भी उन्होंने दिया था, उसे लिबिडो कहते हैं, LIBIDO। यहाँ बुक में यहाँ मैंशन नहीं है, बट इट इज लिबिडो। और जो थानाटोस जो है, जो इंस्टिंक्ट है, इसकी फोर्स के लिए कोई अलग से नाम नहीं दिया था। मगर सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरी है उसमें मेजर एम्फेसिस, मैंने बोला मेजर मतलब ह्यूज एम्फेसिस जो है, दैट वाज ऑन सेक्स, कि एवरीथिंग व्हिच इज ड्राइविंग ह्यूमन नेचर इज सेक्स। और सेक्स जो है इरोज है, इरोज इज लाइफ। तो लाइफ के क्रिएशन के लिए जो है ये जरूरी है, क्योंकि फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, नॉट जस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज सेक्स इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन होगा। फिर ये सवाल आता है कि अगर इफ सेक्स इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज फॉर रिप्रोडक्शन, देन व्हाई डेथ इज नेसेसरी या थानाटोस इज नेसेसरी। सो उसका लॉजिक ये है कि जो एग्रेशन है, जो दो ड्राइविंग टू ड्राइव्स ना, सेक्स एंड एग्रेशन, सेक्स की तो हमने बात कर ली, वो एग्रेशन की कर रहे हैं। सो एग्रेशन क्या है, वो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग हार्म्ड, यानी कि इट अलाउज अस टू सर्वाइव। दूसरी चीज है कि जो एग्रेशन है वो एलिमिनेट करता है हमारे एनिमीज को, सो दैट वी मे प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग हार्म्ड बाय द एनिमी। सो ये है, जो सेक्स है दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, एंड जो एग्रेशन है दैट इज फॉर सर्वाइवल फॉर सेल्फ एंड एलिमिनेटिंग द एनिमीज हु मे ट्राई टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो। डूइंग सो मतलब फ्रॉम एक्सपैंडिंग एज ए स्पीशीज फॉर रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। सो ये दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये दोनों ड्राइव जो हैं मिलके हमारे सर्वाइवल को इंस्टिंक्ट बनाती हैं, इरोज एंड थानाटोस दोनों, दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है। इसीलिए इन दोनों को जो है एक ड्राइव में कंबाइन किया जा सकता है, थिंकिंग दैट कि दोनों सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसीलिए द ड्राइव टू स्टे अलाइव यानी सर्वाइवल वाली, प्रोक्रिएट रिप्रोडक्शन एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग दीज नीड्स, मतलब कोई भी अगर हमको जिंदा रहने से रोक रहा है या रिप्रोडक्शन से रोक रहा है, सो उससे भी हमें बचाएंगी। सो
तो ये एक तरह से हमारी सिंगल ड्राइव भी कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए। देन एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें जो है, अगर सारे नहीं तो ऑलमोस्ट ऑल जो बिहेवियर जो है वो इसी से ड्राइव होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एडल्ट जो है आगे कॉलेज जाके या हायर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करना चाहता है या करता है, तो क्यों करता है? वो इसीलिए कि जब वो कॉलेज डिग्री ले लेगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा अपोजिट सेक्स के लिए, तो बेटर मेट जो है वो अट्रैक्ट कर पाएगा या कर पाएगी। फिर ये भी है कि उसके प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो जाएंगे कंपेयर टू अदर्स हु आर नॉट कॉलेज ग्रेजुएट। सो एक तरह से एलिमिनेटिंग द एनिमीज वाला हो गया कि बाई रेजिंग योर एजुकेशनल लेवल यू आर एलिमिनेटिंग योर कॉम्पिटिटर्स हु मे प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग ए बेटर स्पाउस। सो हायर इनकम आएगी, सो हायर इनकम से जो हमें एडवांटेज होंगे सर्वाइवल में भी होंगे, प्लस हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको भी हम जो है हटा सकते हैं रास्ते से। सो बेसिकली एवरीथिंग इज आइदर सेक्स और एग्रेशन, ये इनका है। फिर एक होता है स्ट्रक्चरल एंड टोपोग्राफिकल मॉडल। स्ट्रक्चरल का मतलब तो वही स्ट्रक्चर से हो गया, उसका शेप क्या है, और टोपोग्राफी की जो है, जैसे जमीन में होती ना कोई चीज ऊंची है कोई नीची है, वो टोपोग्राफी होती है, कहीं पहाड़ है कहीं नदी है कुछ भी है। सो इन्होंने जो सिगमंड फ्रॉयड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी कुछ काम किया था, और उसके बेसिस पे बताया था कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो जो 5 डिफरेंट पार्ट्स थे सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनालिसिस का, उसमें से एक सिंगल पार्ट जो है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है। तो ये इनका ये कहना था कि जो डिफरेंट ड्राइविंग फोर्सेस हैं, ड्राइव तो दो ही हैं सेक्स एंड एग्रेशन, ड्राइविंग फोर्सेस की बात हो रही है अब, वो इसी स्टेज में जो है डेवलप होती है ड्यूरिंग साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें पैदा करती है कि हाउ द पर्सन इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। तो जो भी ड्राइविंग फोर्सेस साइकोसेक्सुअल स्टेज में डेवलप होंगी दैट विल डिसाइड हाउ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, इस एंगल से इम्पॉर्टेंट है। तो पहले स्ट्रक्चरल मॉडल करें तो स्ट्रक्चरल मॉडल में 3 है, इड, ईगो, सुपर ईगो। सो एक जो इड जो है वो बेसिक इंस्टिंक्ट है जो ना, इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। और जब प्लेजर प्रिंसिपल की बात आती है तो उसमें जो है कोई लॉजिक नहीं आता है। इट सेज कि आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट्स और वॉट एवर आई फील गुड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उसमें इड में जो है कोई रियलिटी का लेना देना नहीं है। जैसे बच्चे को भूख लगी तो वो रोने लग जाएगा, वो ये थोड़ी सोचेगा कि अभी रात के 2 बज रहे हैं, पेरेंट्स मेरे सो रहे होंगे, पूरे दिन उन्होंने काम किया, नींद, द चाइल्ड विल नॉट थिंक, इट विल सिंपली क्राई, या उसको अपना नैपी चेंज कराना है बच्चे को तो बस रोने लग जाएगा, चाहे पेरेंट्स खाना खा रहे हो उस टाइम, डजंट मैटर। तो ये जो है इड इज इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये हमारे को बताती है कि हमें क्या ज़रूरत है और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फॉर अस एटलीस्ट फॉर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, देन आता है ईगो। तो ईगो बताने से पहले सुपर ईगो बताऊंगा, तब फिर जो है ईगो बताना इजी हो जाएगा। सुपर ईगो जो है वो हमारा मॉरल जजमेंट है कि कोई चीज़ हम डिसाइड करते हैं कि राइट है या रॉन्ग है, वो जो है हमारा सुपर ईगो डिसाइड करता है। अच्छा, जो सुपर ईगो है वो पैदा होते ही तो होता नहीं है, तो आता कहाँ से है? वो हमारी फैमिली से आता है, फैमिली बताती है, जो हमारे सोसाइटी है, कल्चर है, पीयर है, वहाँ सबसे अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा फैमिली से आता है। तो अब जो इड चाहता है वो जरूरी नहीं कि सुपर ईगो एग्री करे उससे। जैसे इड कहता है मुझे खाना चाहिए, तो मेरे पास खाना है नहीं, दूसरे का खाना है तो मैं उसे चुरा के या छीन के खा लूँ, इड तो ये कहेगा। सुपर ईगो कहेगा नहीं, ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ बैलेंस बनाती है वो दैट इज ईगो। सो इट ब्रिंग्स द इड इन टच विद रियलिटी एंड डज द थिंग्स विच आर एक्सेप्टेबल टू द सुपर ईगो। तो ये दोनों को सेटिस्फाई करती है, ईगो, इड को भी और सुपर ईगो को भी।
सो ईट का तो बेसिक सिंपल ये प्रिंसिपल यही होता है कि वॉट एवर आई वॉन्ट नथिंग एल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो छोटे बच्चों में यही तो होता है, जब छोटे होते हैं तो उनको कितना भी समझा लो उनको समझ में नहीं आएगा। सो ये जो सेकेंडरी पार्ट है हमारा जो ईगो वाला, ये जब धीरे धीरे हम वर्ल्ड के टच में आते हैं, विच इज रफली अराउंड 3 इयर्स, जब बच्चा स्कूल वूल जाने लग जाता है तब समझ में आता है कि वॉट एवर आई वॉन्ट इज नॉट पॉसिबल। तो ईगो इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। तो इनका काम यही है कि ईगो का काम यही है कि जो इड की नीड है उसको सेटिस्फाई करे एंड कंसिडर द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। एंड बाई द एज ऑफ 5 इयर्स, विच इज द एंड ऑफ फैलिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसेक्शुअल स्टेज में जो डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं उसमें जो फैलिक स्टेज है वो रफली एंड हो रही होती है बाई द एज ऑफ 5 इयर्स, तब जो है सुपर ईगो डेवलप होती है। तब तक जो है इतना ज़्यादा बच्चे में राइट और रॉन्ग का सेंस नहीं होता, तो ये मॉरल पार्ट होता है। तो इसमें जो मॉरल और एथिकल रेस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब बंदिशें होती हैं इंडिविजुअल पे, और ये कौन उसके केयर गिवर के द्वारा बनाई गई होती है कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, ऐसा नहीं करना है, गुड बॉय बैड बॉय, ऐसे उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इड ईगो सुपर ईगो में जो ईगो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगी कि जब वो इड की नीड को सेटिस्फाई कर सके, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड नॉट अपसेटिंग द सुपर ईगो। तीन चीजें करनी है ईगो ने, एक तो इड की नीड को सेटिस्फाई करना है, दूसरा रियलिटी को ध्यान में रखना है, और तीसरा जो सुपर ईगो है उसको अपसेट नहीं करना है। ये तीनों जो चीजें जो है अगर ईगो कर पा रही तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बेस्ट है, इससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर इड स्ट्रांग है, ये तो मैंने बताया कि अगर ईगो स्ट्रांगेस्ट है तो ये होगा, इड सेटिस्फाई होगा, सुपर ईगो अपसेट नहीं होगी और रियलिटी से हम टच में रहेंगे। अगर इड जो है ज्यादा स्ट्रांग हुई तीनों में तो फिर आदमी इम्पल्सिव हो जाएगा और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आ जाएगा। सेल्फ मतलब ग्रेटिफिकेशन, मतलब खुद को प्लेजर देने लग जाएगा, ठीक है, बाकी उसको मतलब नहीं है। तो द पर्सन विल बी ओवरटेकन बाई द इम्पल्सिस एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। और अगर सुपर ईगो जो है बहुत स्ट्रांग हो गई तीनों में से तो फिर क्या होगा, वो बहुत रिजिड मॉरल वैल्यूज हो जाएंगी। मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पुराने जमाने में ये कहते थे कि भाई बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। तो आइडिया बेसिक ये होता था कि बेटी के घर में रुकना नहीं है, ठीक है। अब वो मान लो घर गया है बेटी के, वहां पे उसको दवा खाने की जरूरत है, नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, फिर वो बाहर से पानी मंगवाया जाएगा, फिर बाहर से पानी आएगा, फिर पानी पिएगा, ये सुपर ईगो वाली बात हो गई, बहुत रिजिड मॉरल्स हैं। तो इसमें जो है अगर ये सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग हो गई तो फिर आदमी बहुत जजमेंटल भी हो सकता है और बहुत अनबेंडिंग हिज और हर इंट्रैक्शन विद द वर्ल्ड में बहुत रिजिड टाइप का हो जाएगा। तो ये है तीनों के स्ट्रांग होने के ये नतीजे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल में, इसमें एक नई चीज पता चलेगी जो पहले हमने नहीं पढ़ी है। सो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये टोपोग्राफिकल मॉडल है। सो इसमें क्या है कि कंसेप्चुलाइज किया गया है जो ह्यूमन माइंड है लाइक एन आइसबर्ग। सो आइसबर्ग में क्या होता है, बेसिकली हार्डली जो है फ्यू परसेंट, मैक्सिमम 10% जो है अबव द वाटर होगा, बाकी नीचे होगा। सो वही कॉन्सेप्ट जो सिगमंड फ्रॉयड ने भी कहा था कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड में, मतलब वॉट एवर वी आर अवेयर ऑफ दैट इज कॉन्शियस। सो कॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है उसको एक्चुअली जो है अनकॉन्शियस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो और विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड। तो हम जो कर रहे हैं उसको एक्चुअली ड्राइव जो है अनकॉन्शियस कर रहा है। अनकॉन्शियस मतलब हमको पता नहीं है कि वहां क्या है, इट इज नॉट फैदमेबल। फैदमेबल मतलब वहां पे हम वी के नॉट मेजर कि वो कहाँ पे है, कितना गहरा है, क्या है, हम वी आर नॉट इवन अवेयर, इसीलिए उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। जो भी अवेयर है वो कॉन्शियस है। और इन दोनों के बीच में होता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस जो है वो हमको याद तो नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा सा जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, इमीडिएटली हो सकता है याद ना आए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में जोर देंगे याद आएगा, अच्छा ये खाया था। कोई पर्टिकुलर फैक्ट हमको इमीडिएटली याद नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग में जोर देंगे तो याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा हाँ ये है। तो वो प्री कॉन्शियस में ये सब चीज़ें हो गई। इट इज जस्ट बिलो द सरफेस एंड एनी टाइम इट कैन गो इन टू कॉन्शियस, और सप्रेस हो गया तो वो अनकॉन्शियस में भी जा सकता है। सो जो हमारी इड है वो अनकॉन्शियस में होती है, वो हमें नहीं पता होता है, इट इज अनकॉन्शियस। और सुपर ईगो और ईगो है ये प्री कॉन्शियस में रहते हैं हमारे। तो बेसिकली हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं दैट इज अवर माइंड, लेकिन ये थोड़ी कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है वर्ल्ड उतना ही है। वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है। सो वॉट एवर इज आउटसाइड अवर एक्सपीरियंस दैट इज नॉन कॉन्शियस, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। ठीक है, वंस वी एक्सपीरियंस वो कॉन्शियस में आएगी सबसे पहले, फिर वो हो सकता है प्री कॉन्शियस में, हो सकता है सब कॉन्शियस में अनकॉन्शियस में चली जाए। तो जो एक्सपीरियंस नहीं किया है एवरीथिंग इज नॉन कॉन्शियस, और जो एक्सपीरियंस किया है इट कैन बी एनी वेयर, कॉन्शियस प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये समझ में आ गया ना? ठीक है। जो जैसे अनकॉन्शियस की हम बात करें, जो सिगमंड फ्रॉयड ने एग्जाम्पल दिया था एडिपस कॉम्प्लेक्स, सो इसमें सिगमंड फ्रॉयड ने ये बोला था कि जो बच्चा होता है व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, मेल चाइल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इट द मेल चाइल्ड डेवलप सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर, लेकिन वो फादर से कॉम्पीट नहीं कर सकता है, तो उसको द चाइल्ड फियर दैट ही मे बी कैस्ट्रेटेड, सो इसलिए जो है वो अपने उसको सप्रेस करता है सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड मदर को। तो सप्रेस करेगा तो फिर अनकॉन्शियस में चली जाती है, पर रहेगी वहाँ पे, और उसको कितने सक्सेसफुली जो है उसने सप्रेस किया है वो डिसाइड करेगा उसका फ्यूचर में सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। देन कम्स स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसमें जो है जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो दे आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एरोजीनियस जोन। एरोजीनियस जोन मतलब जहाँ पे उसको प्लेजर मिल रहा है, द जोन्स विच आर गिविंग प्लेजर। सो एक एक करके हम सबको लेते हैं स्टेजेस को, तो फिर उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा एरोजीनियस जोन क्या होता है। तो जैसे बर्थ टू 18 मंथ्स। अच्छा इसमें एक याद करने का तरीका बताता हूँ, जैसे ये ओरल स्टेज है तो ओरल स्टेज याद कैसे रहेगा कि बर्थ टू 18 मंथ्स, क्योंकि 18 जो है कि हम भूल भी सकते हैं, 16 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है दिमाग में ना। तो इसका सिंपल तरीका है, ओरल में ओ है, ओ इज जीरो, जीरो इज बर्थ, और आर इज द 18th अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सो 0 to 18, सो बर्थ टू 18 मंथ्स हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो ये जो ओरल स्टेज होती है इसमें जो है बच्चे का जो एरोजीनियस जोन है वो माउथ होता है, मतलब एवरीथिंग द चाइल्ड इज एक्सपीरियंस थ्रू माउथ। देखा होगा बच्चे को जैसे ही कोई चीज मिलती है तुरंत मुंह में डालता है, जो तुरंत का बच्चा पैदा हुआ होता है। उसको अगर प्रॉपर फीडिंग मिल रही है जब भी उसको जरूरत है वो हो रही है, मदर या केयर गिवर जो भी है वो उसको दे रहा है या दे रही है रिक्वायर्ड थिंग्स, तो फिर उसको जो है प्रॉपर इस स्टेज को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर टू मच और टू लिटिल ग्रेटिफिकेशन, मतलब भूख भी नहीं है और तो भी जो है उसको दूध पिलाया जा रहा है, और या भूख से वो रो ही जा रहा है लेकिन फिर भी जो है उसको दूध नहीं मिल रहा है, तो ये टू मच और टू लिटिल वाली कैटेगरी में आ गया है। सो देन कम्स अगर इसने सक्सेसफुली ये स्टेज क्रॉस नहीं करी तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि इस स्टेज में उसका फिक्सेशन हो जाएगा, द फिक्सेशन विल बी इन द ओरल स्टेज या ओरल फिक्सेशन हो जाएगा। तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ओरल पर्सनैलिटी होगी। हमने बात की थी ना कि पर्सनैलिटी को भी एक्सप्लेन करती है साइकोएनालिटिक थ्योरी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन उसके यही हैं। अब ओरल पर्सनैलिटी होगी तो क्या होगा कि जब भी जो है इंडिविजुअल को स्ट्रेस वगैरह कुछ होगा तो उसकी स्ट्रांग टेंडेंसी क्या होगी, स्मोक करेगा, अल्कोहल लेगा,
या इवन ओवर ईटिंग भी कर सकता है, या इवन नेल्स को भी बाइटिंग करेगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो उसके बिहेवियर की बात हुई। इन एडिशन टू डैट क्या होगा, वो दैट पर्सन विल बिकम ओवरली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स एंड गलीबल। गलीबल मीन्स वो बड़ी ईजिली दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेगा। एंड परपेक्चुअल फॉलोअर, बस जो कहेगा कोई दूसरा तो करना, अपने हिसाब से तो कुछ डिसाइड ही नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये तो एक एक्सट्रीम हो गया। दूसरा एक्सट्रीम क्या है इसी सिचुएशन का, कि वो अपनी अर्जेस को फाइट कर रहा होगा कि वो ऐसा ना बने, क्योंकि ये कंफर्टेबल थोड़ी हुआ ये सब करके। तो अब वो ऐसा ना करे के लिए वो क्या करेगा कि वो पैसिमिज्म और एग्रेशन डेवलप करेगा टुवर्ड्स अदर, कि वो दूसरों को फॉलोअर नहीं बनना चाहता होगा ना, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता दूसरों पे, तो कैसे फिर एग्रेशन दिखाएगा या पैसिमिस्टिक व्यू रखेगा, तब होगा। तो ये इम्पैक्ट होता है ओरल फिक्सेशन का। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ो। देन कम्स एनल स्टेज। सो एनल स्टेज जो है इसको भी याद रखने का इजी तरीका, जैसे मैंने क्या किया था कि ओरल तो याद ही हो गया कि बर्थ टू 18 है, तो ये तो ऑब्वियसली 18 से ही स्टार्ट होगा। सो एक जैसे एक हिंदी में नेम होता अनल, तो उसको यही स्पेलिंग लिखते हैं ANAL। अनल मीन्स फायर, आग होता है। सो एक फीमेल नेम इमेजिन कर लो एना, ANA। सो एना इज थ्री लेटर वर्ड, सो 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स, ठीक है। सो ये याद रहेगा। सो अब ये जो स्टेज होती है बच्चे की 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स, इसमें मेन फोकस होता है टॉयलेट ट्रेनिंग का। तो बच्चे का सारा फोकस जो है, या उसको अप्रिसिएशन जो मिल रहा होता है अपने पेरेंट्स से, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा कि हाउ मच सक्सेसफुली द चाइल्ड इज एबल टू रिटेन और एलिमिनेट द फीसेस। मतलब जहाँ उसको टॉयलेट करना चाहिए वहाँ करें, जब नहीं करना चाहिए तब नहीं करें। तो जितना जो है वो इसको अच्छे से कर पाएगा, उतना ही उसको लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा। सो अगर ये स्टेज उसने अच्छे से क्रॉस कर ली तो ठीक है, और नहीं कर पाया तो फिर एनल फिक्सेशन हो जाएगा। और एनल फिक्सेशन तो क्या होगा, तो ऑब्सेशन हो जाएगा, क्लीनलीनेस, परफेक्शन, कंट्रोल, ये सब हो जाएगा, क्योंकि वो इस स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर जो है मतलब अगर एक्सेसिव उसका कंट्रोल रहा तो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा गया उसको, थोड़ा सा भी होते उसको मारा पीटा जाता था, डांटा जाता था, तो ये होगा। और अगर बिल्कुल छोड़ दिया, बच्चा अपने आप सीख जाएगा, तो भी उसने अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाएगा एनल फिक्सेशन को, एनल स्टेज को, तो फिर एनल फिक्सेशन उसमें भी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो अपोजिट एंड स्पेक्ट्रम में हो जाएगा, क्या क्या, वो मेसी एंड डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड जो है, जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है, वो फैलिक स्टेज है। सो एज 3 to 6 है। सो इसमें जो है वही होता है, जो प्लेजर जोन है वो जेनिटल्स पे आ जाता है। सो यहीं पे जो है, इसी स्टेज में जो है, जो एडिपस कॉम्प्लेक्स हमने अभी बात की थी, वो यहीं पे होता है, बॉयज़ के केस में होता है। सो सिगमंड फ्रॉयड ने तो केवल बॉयज़ के लिए कहा था, लेकिन कैरन हॉर्नाई ने जो है, एक वो भी साइकोलॉजिस्ट हुई है, तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी बोला। उन्होंने कहा कि नॉट जस्ट द बॉयज, द गर्ल्स ऑल्सो डेवलप सेक्सुअल अट्रैक्शन टूवर्ड्स फादर, तो उसको उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम दिया था। ये एडिपस कॉम्प्लेक्स नाम ऐसे पड़ा था कि एक ग्रीक जो है किंग था एडिपस, उसने जो है, ही वॉज नॉट नोइंग कि वो अपने फादर से लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि बचपन में ही सेपरेट हो गया था अपने फादर से। फादर वॉज नॉट नोइंग वेयर द चाइल्ड इज, एंड द चाइल्ड वॉज नॉट नोइंग हु द एक्चुअल फादर इज। तो बड़े होकर उसने अपने फादर से ही लड़ाई लड़ी थी, फादर को मारा था, और फिर अपनी मदर से ही शादी की थी। सो इसलिए जो है उस किंग के नाम पे जो है ये एडिपस कॉम्प्लेक्स है। सो लाइकवाइज जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक कैरेक्टर के नाम पे, हु हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर फादर, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम ये है, हिस्ट्री की यही है। सो दिस इज द फैलिक स्टेज। और इसी स्टेज में, इसीलिए जो है, इफ़ यू ऑब्जर्व द किड्स बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6, उनको मना करने पर भी दे रिपीटेडली टच देयर जेनिटल्स, क्योंकि वो फैलिक स्टेज है उनकी, ठीक है। ये हो गया, ये हम कर चुके हैं। हाँ,
और अगर ये स्टेज जो है सक्सेसफुली पार नहीं की, मतलब जो एडिपस कॉम्प्लेक्स है या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है सक्सेसफुल पार नहीं किया, सो ऑब्वियसली जो फिक्सेशन जो है फैलिक स्टेज में हो जाएगा। और अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, सेक्सुअल डेवियंस। सेक्सुअल डेवियंस मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो नहीं करेगा, कुछ और ही करेगा, या जैसे कि ओवर इंडल्जेंस, बहुत ज़्यादा सेक्स की उसकी रिक्वायरमेंट होगी, या अवॉइडेंस भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही नहीं चाहता है, या उसकी वीक या कंफ्यूज सेक्सुअल आइडेंटिटी, उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, तो ये सब जो है होगा। देन कम्स लेटेंसी स्टेज। तो लेटेंसी स्टेज में जो जो उसका फैलिक स्टेज वाली जो अर्जेस थी, ड्राइव्स थी, वो लेटेंट हो जाती है। लेटेंट मतलब छुप जाती हैं, अंदर हो जाती हैं, जो सेक्सुअल अर्जेस हैं दे रिमेन रिप्रेस्ड। और नॉर्मली इस दौरान जो है जो बच्चे हैं दे प्ले विद जनरली विद सेम सेक्स पीयर्स, ठीक है, इस एज तक। फिर नेक्स्ट एज आती है जेनिटल स्टेज, ये है प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, मतलब थ्रू आउट लाइफ। सो जेनिटल स्टेज में जो है यहाँ पे जो है सेक्सुअल अर्जेस वंस अगेन दे सरफेस, दे आर अवेकेंड वंस अगेन। और वो कैसे काम करेंगी सेक्सुअल अर्जेस, वो डिपेंड करेगा कि इससे प्रीवियस जितनी भी स्टेजेस थी उन स्टेजेस को उसने कैसे पार किया है। सो जो एडोलेसेंट है इस स्टेज में दे डायरेक्ट देयर सेक्सुअल अर्जेस ऑन टू द ऑपोजिट सेक्स पीयर्स, और इस स्टेज में जो है प्राइमरी फोकस ऑफ प्लेजर आर द जेनिटल्स। सो ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉयड। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब आता है अनदर पार्ट ऑफ सिगमंड फ्रॉयड, एक तो स्ट्रक्चर वाला हो गया, एक टोपोग्राफिकल हो गया, ठीक है, और ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया। नाउ कम्स द डिफेंस मैकेनिज्म। सो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है कि हमने बात करी थी कि जो ईगो है उसका काम है कि वो इड और सुपर ईगो में बैलेंस करे। इट मस्ट सेटिस्फाई इड, जो भी उसकी नीड्स हैं, इट शुड नॉट डिस्टर्ब सुपर ईगो, जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, एंड इट शुड रिमेन इन टच विद रियलिटी, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक डेविल ऑन योर शोल्डर्स, एक कंधे पे जो है डेविल है और दूसरे कंधे पे एंजल ऑन योर शोल्डर, एक तरफ शैतान है एक तरफ जो है भगवान है, तो दोनों में बैलेंस बनाना है तो आसान काम तो नहीं है। तो इसलिए जो है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ईगो को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ जाए, ईडो सुपर ईगो को पॉसिबल है। सो अगर वो बैलेंस नहीं कर पाई तब उसके पास में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, वो जो है अप्लाई करती है ईगो, सो दैट दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए। तो अब इसमें अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होंगे तो फिर जो है ईगो शैटर हो जाएगी। ईगो शैटर हो गई तो इंसान की पूरी लाइफ तहस नहस हो जाएगी। सो ये जो है की रीजन है कि वाई ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर रिक्वायर्ड। तो जैसे कि एक जो है हमारी ईरोज है, दूसरी है लाइफ फोर्स जो ईरोज है, और दूसरी है डेथ वाली थानाटोज है, तो ये भी तो ऑपोजिट हैं, इन दोनों में भी बैलेंस बिठाना है। तो ये सब जो है काम ईगो को इतने टेढ़े मेढ़े करने होते हैं, दैट्स व्हाई इट नीड्स सम टूल्स विच कैन प्रोटेक्ट इट व्हेन इट इज मीडिएटिंग बिटवीन इट एंड सुपर ईगो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया डिफेंस मैकेनिज्म क्यों चाहिए होते हैं। हाँ, सो अब इसमें एक एक करके लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को। पहला है डिनायल। डिनायल में क्या है कि इंसान मान ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ, जैसे कि सपोज किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई, तो अब जो है वो इड तो ये चाहेगी कि इंडिविजुअल जो है आ जाए, सुपर ईगो कहेगी कि भाई तो पॉसिबल ही नहीं, जो मर गया तो वो मर गया, तो अब बैलेंस कैसे करेंगे। तो फिर जो है बैलेंस ये होगा कि डिफेंस में होगा डिनायल का, नहीं नहीं वो मरा नहीं है, वो इस दुनिया से गए नहीं, यही है, ठीक है। तो हेलुसिनेशन या डिल्यूजन्स हो सकते हैं। फिर दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है कि अगर कोई ज़्यादा हमसे स्ट्रांग टारगेट है या व्यक्ति है जो हमको थ्रेटन कर रहा है, जो हमारी चाहे वो हमारी इड की नीड्स को फुलफिल नहीं होने दे रहा है या सुपर ईगो को हर्ट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है,
तो फिर जो है अपनी इम्पल्सेस जो है उस टारगेट पे डाइवर्ट कर देंगे जो कि लेस थ्रेटनिंग है। जैसे बॉस ने जो है डांटा तो बॉस को तो नहीं रिप्लाई कर सकते, नौकरी चली जाएगी, तो घर पे आके जो है हस्बैंड या वाइफ को डांट दिया। अब वो डांट दिया, फिर जो है जिसको डांट पड़ी वो दूसरे पे तो डांट नहीं निकाल सकता, स्पाउस पे तो वो बच्चों पे निकाल देगा। अब बच्चा सबसे कमजोर है, वो किसी पे नहीं निकाल सकता, वो जाके जो अपने डॉग को हिट करेगा। सो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। देन कम्स इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो सिचुएशन है वो जो है हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके हम डिटेल्स में जाना शुरू कर देते हैं टू डिफेंड अवर इड एंड सुपर ईगो। जैसे कि घर में या किसी नियर एंड डियर वन को कैंसर हो गया, तो अब जो कैंसर हुआ है वो मान लो फोर्थ स्टेज का डिटेक्ट हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता है, डेथ इज सर्टेन, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इंडिविजुअल क्या करेगा, कैंसर के बारे में डिटेल्स पढ़ना शुरू कर देगा, और डिटेल में और डिटेल में, और आधा डॉक्टर बन जाएगा। सो वो अपनी जो एनर्जीज को डाइवर्ट कर रहा है टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअल परस्यूट अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंसर। देन कम्स प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्शन है, जो जैसे प्रोजेक्टर में होता है अंदर एक पिक्चर होती है, वो बाहर दीवार या किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है, तो इंडिविजुअल की जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होती हैं वो किसी और पर प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इंसान जो है हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी स्पाउस है, वो जो है ही और शी इज चीटिंग अपॉन द अदर, पता भी नहीं है किसी को, तो भी अब उसे खुद को तो पता है कि वो गलत कर रहा है या कर रही है, तो वो अपने स्पाउस को सोचेगा कि ये भी ऐसा कर रहा है। तो वो जो है प्रोजेक्शन हुआ। फिर देन इज रैशनलाइजेशन। तो ये इसमें जो है हमारे साथ में जो भी होता है हम उसका एक लॉजिकल रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं विच सेटिस्फाइज अवर ईगो। ऐसा जैसे प्रमोशन जो है कॉम्पिटेंस नहीं होने की वजह से नहीं हुआ, एक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट नहीं था, प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन वो क्या रैशनलाइज करेगा, अरे जिनका प्रमोशन होना बॉस की चमचागिरी कर रहे हैं इसलिए। देन रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है कि जो इंटरनल फीलिंग होती है उसके एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो इंडिविजुअल बिहेव कर रहा होता है। जैसे कि वो उसको इंसल्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो ऊपर से जो है एक्सेसिव जो है रिस्पेक्ट शो करेगा, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है। देन रिग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारी प्रीवियस स्टेज होती है डेवलपमेंट की, वहाँ पे हम चले जाते हैं टू फुलफिल अवर नीड। जैसे कि हमारे मन का नहीं हुआ, तो जैसे बचपन में जो है रोने लग जाते थे तो वो रोने लग जाएंगे, या इवन पीपल थ्रो टेंट्रम्स ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट ऑल्सो नॉट जस्ट किड्स, दे थ्रो टेंट्रम्स ऑल्सो सो जस्ट टू हैव देयर वे। देन रिप्रेशन में, रिप्रेशन में कोई अनप्लेजेंट चीज है जो हम याद नहीं करना चाहते हैं, जैसे मान लो किसी को पब्लिकली बहुत इंसल्ट किया गया, तो वो इंसल्ट किया गया तो ऑब्वियसली वो याद रखना नहीं चाहेगा या चाहेगी, तो उसको सप्रेस यानी कि दबाएगा, है अंदर दबाएगा, तो कॉन्शियस से जो है प्री कॉन्शियस में, फिर प्री कॉन्शियस से वो सब अनकॉन्शियस में चली जाएगी, तो वो रिप्रेशन हो गया। फिर देन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है सबसे अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, जो अपनी पेंट अप एनर्जी है जो भी हमारे अंदर है, उसको हम किसी कंस्ट्रक्टिव ऐसे काम में लगा देते हैं जिसमें जो है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में मारपीट करना या गाली गलौज करना से अच्छा क्या है कि मैं जाके रनिंग करने लग जाऊं, या कोई मेहनत का काम कर रहे हो फिजिकली एग्जॉस्ट कर दूंगा अपने आप को तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, एनर्जी वहां निकाल दी, या कोई गाना सुनने लग गए या गाना गाने लग गए या कोई बुक पढ़ने लग गए, वॉट एवर दैट मे बी, या इवन कई लोग एग्रेशन को निकालने के लिए बॉक्सिंग करने लग जाते हैं, बॉक्सिंग लीगली एक्सेप्टेबल है सोशली एक्सेप्टेबल है तो वहाँ एग्रेशन निकल जाएगा, डिपेंड करता है कैसे निकालेगा। तो सब्लिमेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एज पर मी। सेकेंड बेस्ट मेरे हिसाब से जो है इंटेलेक्चुअलाइजेशन है।
देन सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है हम जो है जब फर्क समझना रिप्रेशन और सप्रेशन में, रिप्रेशन में तो हम उसको अपने अनकॉन्शियस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सप्रेशन में हम उसको फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, रिप्रेशन में क्या है कि जैसे सपोज कोई बॉय है सिटिंग नेक्स्ट टू ए गर्ल, अब ही इज हैविंग अर्ज टू टच द गर्ल, ठीक है, दैट इज इड, और सुपर ईगो कहती है कि ऐसे टच करना गलत है, ईगो कहती है कि भाई रियलिटी है कि पिटोगे अगर ऐसा करोगे, तो वो क्या करेगा अपना ध्यान जो है कहीं और लगाने की कोशिश करेगा, जैसे इधर उधर देखने लग जाएगा, गाने सुनने लग जाएगा, मोबाइल चेक करेगा, ही और शी विल ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्ट जो उसको डिजायर हो रही है, ठीक है, सप्रेशन में जो है हम उसको भूलने की कोशिश करेंगे, हम अपना ध्यान इधर उधर नहीं लगाएंगे, अपने आप जो है धीरे धीरे हम उसको जो है जब डिस्कस ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप ही जो हमारे दिमाग से निकल चली जाएगी। जैसे होते हैं कई बार कहते हैं कि यार उस बारे में बात मत करो मुझसे, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, वो सप्रेशन है, ठीक है। रिप्रेशन में जो है हम खुद कर रहे थे, सप्रेशन जो है ऑटोमेटिक हो रहा था अगर हम उसको बार बार उसको इग्नाइट ना करें चीज को, तो ठीक है ये हो गया। अच्छा ये जो है ईगो डिफेंसेस जो मैंने बोला कि दो अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सारे खराब हैं, इनका जो है अडेप्टिव है तो ठीक है, मतलब जैसे किसी की डेथ हुई तो एक दो दिन जो है आदमी डिनाइल में भी रहा तो चलो चल जाएगा, लेकिन उसका वो लाइफस्टाइल नहीं बन जाना चाहिए कि हमेशा डिनाइल में रहे, ये नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट इज सर्विंग द पर्पस ठीक है, लेकिन वो उसका लाइफस्टाइल नहीं बन जाना चाहिए। अब सिगमंड फ्रायड की थ्योरी की सर्टेन लिमिटेशन है, कुछ तो बुक में दी है, पहले मैं वो बता देता हूँ, जो बुक में नहीं दी वो भी मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू कवर। सो पहली जो है लिमिटेशन ये है कि द थ्योरी इज नाइदर वेरीफिएबल नॉर फॉल्सिफिएबल, ना तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने कहा ऐसा ही है, ना हम उसको गलत साबित कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सो इस थ्योरी को ना तो हम वेरीफाई कर सकते हैं ना फॉल्सिफाई कर सकते हैं, पहली कमी ये है, वी जस्ट कैन नॉट से इट इज राइट और रॉन्ग। सो दूसरा है कि इसमें जैसे जो मेन है उसके ऊपर ही ज़्यादा कंसेप्चुअल, जैसे बॉय का जो है एडिपस कॉम्प्लेक्स का, फीमेल का कोई इसमें नहीं रखा गया। सो इसमें द थ्योरी इज हैविंग इनएडिक्वेट कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वीमेन, दूसरी कमी ये है। तीसरी चीज जो है ओवर एम्फेसिस ऑफ रोल ऑफ सेक्सुअलिटी, यस सेक्सुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लेकिन दैट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, सभी लोग जो है उसके लिए ही पागल रहते हैं ऐसा नहीं है, इसके बिना भी लोगों की लाइफ चलती है एंड दे आर वेरी अडेप्टिव ऑल्सो। तो ये भी है, और प्लस क्या है जो आप बुक में नहीं लिखा वो बता रहा हूँ, इन्होंने जो है जेनेटिक्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करी, ठीक है, हाँ, तो जेनेटिक्स के का भी इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर, वो तो कोई बात ही नहीं की। फिर जीन्स और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी बात नहीं की, एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी तो पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। फिर कल्चर से रिलेटेड कोई बात नहीं करी है कि जैसे किसी कल्चर में कोई चीज़ एक्सेप्टेबल होती है किसी में नहीं होती है, सो वो जरूरी थोड़ी साइकोपैथोलॉजी हो जाए अगर किसी कल्चर में एक्सेप्टेबल है तो है। तो ये भी कल्चर का भी इन्होंने कोई जो है एंगल नहीं लिया अपने उसमें। फिर इसमें कोई भी एम्पिरिकल डाटा नहीं है, जो भी इन्होंने थ्योरी बेस की है कोई कोई एम्पिरिकल डाटा नहीं है। फिर अगली कमी इसमें यह है कि इसमें जो है इन्होंने केस स्टडीज के बेसिस पे अपनी थ्योरी बनाई है, सो केस स्टडीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, यू जस्ट कैन नॉट जनरलाइज अ केस, हाँ उसे अपना आइसोलेटेड इन्फ्रेंस निकाल सकते हो लेकिन बट यू कैन नॉट जनरलाइज ऑन द पॉपुलेशन। और उसमें भी जो केस स्टडीज भी उन्होंने लिए वो अपनी मर्जी से लिए, इसमें ये नहीं कि रैंडम पॉपुलेशन सिलेक्शन किया हो फिर उसमें से रैंडमली कोई
सिस्टमेटिक तरीके से किसी तरीके से निकाला, ऐसा नहीं। जो इनको ठीक लगा वो केस लिया और उसकी केस स्टडी बना के जो है वो कर दिया। सो ये इसके लिमिटेशन है जो बुक में नहीं दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी तक रखेंगे आज, क्योंकि उसके बाद में जो है फिर बहुत हैवी हो जाएगा एक साथ। सो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी में जो है दो चीज़ें हैं, एक है सिम्बायोसिस और दूसरा है सेपरेशन ऑब्लिक इंडिविजुएशन। तो ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और क्लाइंट को भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है ये चीज़ जो है, जब हम उसके चाइल्डहुड के बारे में पूछेंगे, उसके जो है दूसरे आस्पेक्ट्स जो लाइफ के हम देखेंगे, खासतौर से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन आई टेल अबाउट दिस देन यू विल बी एबल टू विजुलाइज सो मेनी पीपल अराउंड यू कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ होगा बिकॉज ऑफ विच दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर। सो इसमें क्या है कि दो तरह की आप लाइफ समझो इंडिविजुअल की, एक तो जब वो पैदा होता है वो लाइफ हो गई है ना, दैट इज फिजियोलॉजिकल लाइफ, और एक होती है साइकोलॉजिकल लाइफ हर इंडिविजुअल की। तो एक तो बॉडी जो है पैदा हुआ तो एक बॉडी मिली, और दूसरा जो थॉट प्रोसेस क्या है दिमाग में क्या चलता है वो साइकोलॉजिकल लाइफ हुई। तो जो साइकोलॉजिकल बॉडी तो मिल गई, जीन से हमें मिल गई, एक बार मिल गई वो मिल गई, बात खत्म। लेकिन जो साइकोलॉजिकल लाइफ है ये हमारी डेवलप होती है थ्रू रिलेशंस विद अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो हम साइकोलॉजिकली हम बनेंगे फ्यूचर में वो डिपेंड करेगा कि जो अदर ह्यूमन बींग्स के साथ में इन द अर्ली स्टेज ऑफ आवर लाइफ हाउ वी इंटरेक्ट, हाउ वी फील अबाउट देम, ये सबसे की चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करें कि अर्ली लाइफ में जो है इंट्रैक्शन की बात करें तो कौन होगा, केयर गिवर होगा। केयर गिवर कौन होगा, प्राइमरीली मदर होगी। तो अब मदर के साथ में जो रिलेशन होंगे तो इनिशियली जो सिम्बायोटिक होंगे, सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं बिल्कुल टोटली, और एक दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम बच्चे की बात करें, फॉर इनिशियली अबाउट 6 to 7 months द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इट्सेल्फ एंड द मदर। उसके लिए मदर और खुद जो है वो एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। सो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इसके बाद में जो है क्या होता है सब्सिक्वेंटली, जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसका डिसोल्यूशन शुरू होता है और प्रोसेस शुरू होता है सेपरेशन एंड इंडिविजुएशन का। सेपरेशन मतलब बच्चा धीरे धीरे जो है ये समझने लगता है कि मैं अलग हूँ, मदर अलग है, ये सेपरेशन हुआ कि आई एम सेपरेट, मदर इज सेपरेट। इंडिविजुएशन में क्या आता है, फिर उसको ये भी समझने आता है कि मैं खुद भी कुछ हूँ, अपनी इंडिविजुअल जो है आइडेंटिटी भी वो बनाने से शुरू करता है। सो ये जो है शुरुआत के लाइफ के फर्स्ट 3 years के ये प्रोसेस हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनिशियली फॉर अप टू 6 to 7 months एंड देयर आफ्टर सब्सिक्वेंट डिसोल्यूशन ऑफ दैट रिलेशनशिप थ्रू व्हाट, सेपरेशन एंड इंडिविजुएशन। ठीक है, अब इसमें जो है एक कोर जो आइडेंटिटी जो है उसके जेंडर की आएगी। अच्छा, मैं जेंडर की जो बात कर रहा हूँ इसका मतलब केवल मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो होगा। यहाँ पे जो है जेंडर की आइडेंटिटी का मतलब ये भी होता है, इंडिविजुअल को ये भी समझ में आ रहा होता है कि कौन सा जेंडर जो है उसको क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, मुझ पे क्या लागू होता है, व्हाट आई कैन डू आई कैन नॉट डू, ये भी उसकी अवेयरनेस में आता है। जैसे इस एज के बाद 3 years के बाद बोलना शुरू कर देते ना कि बॉयज तो ऐसे नहीं करते हैं, गर्ल्स को ऐसे करना चाहिए, है ना, या उनको टॉयज भी जो लाके देते हैं वो स्पेसिफिक टू जेंडर लाके देते हैं, काम भी उनको जो बोले आते हैं, तो ये उसको समझ में आने लग जाता है। तो जो हर सोसाइटी में जो इनइक्विटी है जेंडर की वो इंटरनलाइज करने लग जाता है बच्चा कि अच्छा ये हम बराबर नहीं है और ये फ़र्क है हमारे में। सो ये समझ में आ गया ना, कोर आइडेंटिटी इन वंस जेंडर। ठीक है, तो ये सोसाइटल लेवल पे जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, उसको इंटरनलाइज करता है बच्चा।
अब यहाँ पे जो है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की और सेपरेशन और इंड्यूशन की बात की, तो इन जो सेपरेशन और इंड्यूशन होता है ये जो चाइल्ड और केयर टेकर के बीच में होता है, और दोनों को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा एक दूसरे की नीड के लिए। इवन इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑल्सो मदर को बच्चे की बात समझनी पड़ेगी, बच्चे को थोड़ा मदर की जो है समझना पड़ेगा धीरे धीरे, इमीडिएटली तो नहीं होगा तो होगा। तो अब जो है जब हम बात करेंगे उसकी सेपरेशन और इंडिविजन की, तब जो है तब भी दोनों को जो है एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे मदर के अंदर ये नार्सिसिस्टिक ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए इन द चाइल्ड, कि बस ये चाइल्ड मेरी प्रॉपर्टी है, द चाइल्ड विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग विदाउट माई परमिशन। ठीक है, और इसी तरह चाइल्ड को भी समझना पड़ेगा कि मदर हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी जो है एक हेल्दी वे में होना जरूरी है। अब ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ था और सेपरेशन और इंडिविजुएशन हो रहा है, ये किस तरीके से होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मदर का खुद का जो है चाइल्डहुड में कैसा जो है ऑब्जेक्ट रिलेशन रहा था, कि सिम्बायोटिक स्टेज में उसने क्या फील किया था, सेपरेशन इंड्यूशन में कैसे फील किया था। तो नॉर्मली वो दे ट्राई टू रेप्लीकेट दैट, कि वो उनके दिमाग में वो स्कीमा सेट होता है ना, तो ये भी होता है। तो इसलिए मदर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रोल चाइल्डहुड वाला, कि उसका चाइल्डहुड कैसे रहा है। तो अगर उसका हम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप अगर हमें पता लग जाए तो वी कैन प्रिडिक्ट कि उसके चाइल्ड से कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, ये भी है। सो अगर मदर का जो है जब वो इन्फेंट थी तो उसके जो है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में उसको एडिक्वेट ग्रेटिफिकेशन चाइल्डहुड में मिला था तो अच्छी बात है। एडिक्वेट है, ओवर नहीं बोला मैंने, एडिक्वेट हुआ तो अच्छा है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके मदर के अंदर में बचपन में जो रिजेंटमेंट और हॉस्टिलिटी थी तो वो जो है फिर अराउज हो जाएगी, जग जाएगी चाइल्ड की नीड्स के लिए। और तीसरी चीज क्या है कि मदर को भी जो है जरूरत होती है एज मदर ऑल्सो कि सपोर्ट और इमोशनल और मटेरियल सबकी, तो वो भी अगर उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हाउ मच द मदर विल बी एबल टू नर्चर एंड रीइन्फोर्स हर ओन सर्स ऑफ ऑटोनॉमी। क्योंकि मदर को भी तो एक अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है, सेपरेशन चाइल्ड से चाहिए होता है, 24 घंटे तो बच्चे में नहीं ले। तो अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है तो उसको सेपरेशन में इजी हो जाएगा, है ना, और उसको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से वो काम कर पा रही है तो उसकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट रहेगी। तो वो भी सपोर्ट पर डिपेंड करेगा, जैसे कि वो सपोज जॉब करना चाहती है तो वहां पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये इस तरीके से सेपरेशन और इंडिविजुएशन में मदर का भी जो है सपोर्ट सिस्टम कैसा, वो भी रोल प्ले करेगा, उसका चाइल्डहुड वाला भी करेगा, और उसकी कितना ग्रेटिफिकेशन हुआ था एडिक्वेट या नहीं वो भी डिपेंड करेगा। देन एक और चीज है कि चाइल्ड जो है जब सेपरेशन कर रहा होगा ना तो वो एक्सपीरियंस एक एंजाइटी करेगा, सेपरेट तो होगा लेकिन फिर जब सेपरेट होने की कोशिश करेगा तो उसको एंजाइटी होगी, वो सेफ नहीं फील करेगा ना इतने दिनों से जो मदर के साथ में था। सो उसको इमोशनल रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो बार बार मदर के पास लौट के आएगा, ये नॉर्मल है। तो उसकी रिफ्यूलिंग प्रॉपर कर दे मदर, फिर जो है वो दूर हो जाएगा। ऐसे सेपरेशन रिफ्यूलिंग चलेगा। ठीक है, तो अब जो है ये जो सेपरेशन रिफ्यूलिंग वाली जो हमने बात करी, ये धीरे धीरे जो है इंटरनलाइज हो जाएगी बच्चे के अंदर कि ये आई एम सेपरेट, फिर वो इंडिविजुअल बन जाएगा। तो अब जो है मदर और चाइल्ड दोनों के लिए जरूरी है कि वो इस बॉन्ड को जो है समझें एंड दे लेट गो ऑफ दिस बॉन्ड विदाउट रिजेक्टिंग ईच अदर, कि माँ बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर रही है तो मेरी सुनता ही नहीं है, या बच्चा माँ को रिजेक्ट नहीं कर रहा है तो मुझे कुछ करने नहीं देती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों समझें कि हमें सेपरेट भी होना है और हमें अपनी आइडेंटिटी भी बनानी है। तो ये जो जो चाइल्ड का जो एम्बिवेलेंट प्रोसेस है वही कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म हो रहा है तो बार बार जो उसको प्रॉब्लम हो रही है,
वो जो है ध्यान में देना पड़ेगा कि उसको फियर जो हो रहा है उसके लिए वो वापस जो है आएगा मदर के पास में, तो मदर को जो है उसको एक सेफ फीलिंग देनी है, ठीक है। तो ये एक रेसिप्रोकल जो है रिलेशनशिप रहेगा सेपरेशन और इंड्यूजेशन का, तब वो अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, देन विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है।